नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के मनसाडी में अवैध अभ्रक उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। अभ्रक माफियाओं की चांदी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि छोटे छोटे गरीब आदिवासी बच्चे बच्चियां जिसकी उम्र महज 10 से 15 वर्ष की है, वे लोग दिन भर अभ्रक चुनने का काम करते हैं और यह अभ्रक शाम को माफियाओं के पास पहुंचाते हैं, जो बच्चे बच्चों से औने पौने दाम में खरीदते हैं और महंगे दामों में बाहर सप्लाई करते हैं। ढिबरा चुनने का काम कर रही वैशाली हेब्रम का कहना है कि हम लोगों से 9 से 10 किलो अभ्रक खरीदा जाता है, रोजाना 30 से 40 तक कमाई हो जाती है। इस पैसे से हम अपने परिवार की आर्थिक मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर कॉपी कलम और किताब खरीदते हैं। बच्चे बच्चियों का इस तरह बंधुआ मजदूरी करना कहीं न कहीं इलाके में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के तमाम उन दावों की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि सुदूरवर्ती इलाकों में बसे ग्रामीण व आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बाबू तुम्हारा थोड़ा जोर से बोलो, कस के बोलो, क्या नाम है? मरसाली मुर्मू। हेम्ब्रम किस क्लास में पढ़ती हो? फोर क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? अच्छा, तो ये मतलब ये क्या कर रही है तुम? ये रोजाना ढिबरा चुनती है? अच्छा, तो कैसे किलो मिलता है, कौन लेता है इसको? आए जोर से बोलो। अच्छा, मनोज मुन्ना लेता है? मनोवर। अच्छा, कैसे किलो बिकता है? नौ रुपए किलो। तो रोजाना कितना किलो हो जाता है, कितना कमा लेती है पैसा? दस बीस। तो ये जो ढेबरा चुनती है, तो पुलिस वुलिस नहीं आता इधर कभी? अच्छा, तो मम्मी ने भेजा या पापा ने भेजा है? नहीं, अपने मन से आई इधर चुनने के लिए। अपने मन से आई है। तो पैसा रोजाना 10-20 होता तो पैसा के क्या कर दिए तुम? रखती है और किताब कॉपी खरीदती है क्या उससे? किताब कॉपी खरीदती है। अभ्रक चुनने के काम कर रही दूसरी बच्ची किस्कू हेब्रम का कहना है कि हमारा परिवार बहुत ही गरीब है, पिताजी नहीं है, माँ हमेशा बीमार रहती है और हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिनमें से 4 सिर्फ बहन हैं और एक भाई है जो सबसे छोटा है। इस प्रकार हमारा पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, परिणाम स्वरूप इस छोटी सी उम्र में अभ्रक चुनने का काम करना पड़ रहा है, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है और परिवार की कुछ मदद भी हो जाती है। तो ये है दास्तां तीसरी प्रखंड के मनसाडी गांव का, जहां पर अभ्रक माफियाओं की तो चांदी हो रही है, लेकिन यहां के गरीब मजदूर व उनके छोटे छोटे बच्चे बच्चियां शोषण का शिकार हो रही हैं। बंधुआ मजदूरी जैसा जिंदगी जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। वी टाइम न्यूज के लिए तीसरी से आनंद वर्णवाल की रिपोर्ट।